दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मदरसन सुमिकी में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 2.79 यानी कि ऑलमोस्ट 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इस गिरावट के बीच में मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसके चलते मंडे के दिन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। बात करें क्या न्यूज़ है, आप सबसे पहले डेट और यहाँ पर टाइम को कंफर्म कर सकते हैं, 24 सितंबर 2022 आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें मदरसन सुमी ने जो यहाँ पर बोनस शेयर इशू किए थे 1:2 के रेशो के, उसकी रिकॉर्ड डेट को यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। आप देखेंगे कंप्लीट न्यूज, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल आफ्टर द मार्केट आवर्स ऑन फ्राइडे अनाउंस डेट इट हैज फिक्स्ड ऑन 5th October 2022 एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द प्रपोज्ड बोनस इश्यू ऑफ शेयर। तो यहाँ पर जो बोनस शेयर्स के लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 5 अक्टूबर 2022 रखी गई है, वेडनेसडे का दिन है, यानी कि 4 अक्टूबर 2022 हमें यहाँ पर एग्जिट देखने को मिलेगी। और अगर 4 अक्टूबर के पहले अगर आप मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाकर आप यहां पर बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करें कितने शेयर पर कितने शेयर आपको मिलने वाले हैं, तो द कंपनी बोर्ड रिकमेंडेड द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो 1 बोनस इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट 2 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। यानी कि अगर आपके पास संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के 2 शेयर हैं, तो उसके बदले 1 शेयर कंपनी आपको बोनस के रूप में देगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी प्राइस भी एडजस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। वही बात करें आरबीआई की तरफ से एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ठीक 47 मिनट पहले आरबीआई ने यहाँ पर जो महाराष्ट्र बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक थी उसका लाइसेंस यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। आप देख सकते हैं 47 मिनट्स पहले ही आरबीआई की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसका महाराष्ट्र बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के शेयर होल्डर्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें ये आते हुए देखने को मिल रही है। रिसेंटली ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है, आप देख पाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ सोलापुर बेस्ड द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एज द लेंडर डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्टस। द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सबमिटेड द डाटा विच शोज मोर देन 99% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर इनिशियल टू रिसीव द फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट्स फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशंस। तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर आरबीआई की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है।